जम्मू शहर अब तेजी से कपने लगा है। सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रहे हैं। पूरा शहर लू के थपेड़ों से झुलसता नजर आ रहा है। और अगर बात करें तापमान की, तो तापमान 42-43 के करीब पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी से हर कोई बेहाल नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा बुरा हाल तो बच्चों और बुजुर्गों का है, लेकिन जम्मू में अब इसी भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जम्मू में इस भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक राहत की खबर दी है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा जारी एक आदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर, जम्मू संभाग में पढ़ने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जम्मू संभाग के समर जोन में पढ़ने वाले स्कूलों की टाइमिंग कल यानी 20 मई से सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा एक बड़ा फैसला जम्मू में पड़ रही भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन चढ़ते ही जम्मू के लोगों को सूर्यदेव के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए सभी लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। इसी बीच स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी एक राहत की खबर सामने आई है। एक बार फिर बता दें कि जम्मू संभाग के समर जोन में पढ़ने वाले सभी स्कूल यानी सरकारी और निजी सभी स्कूलों के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने यह आदेश जारी किया है कि आगामी कल यानी सोमवार से स्कूलों की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक कर दी गई है। जम्मू संभाग के समर जोन के सभी स्कूलों की टाइमिंग अब अगले आदेश तक यही रहेगी। इस वीडियो के प्रायोजक है अरोमा मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, ए परफेक्ट प्लेस टू होस्ट योर प्राइवेट ओकेजंस। अरोमा मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, छन्नी हिम्मत, जम्मू।